देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। देखिए, यहाँ पे आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है और वो है ax² + bx + c, है ना। तो आपके पास चार ऑप्शन है। देखो, ऑप्शन हम लिख देते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है a > 0, b > 0 एंड तुम्हारा c > 0। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है a > 0, b > 0 और है आपके पास एंड c > 0। थर्ड ऑप्शन है, देखो, a < 0 है, b > 0 है एंड आपके पास c जो है वो > 0, और एक है तुम्हारे पास d, वो है a < 0, b > 0 एंड c। इसका फिगर कुछ इस तरीके का है। देखो, तो ये देखो, तुम्हारे पास इमेज आ चुका है, ठीक है ना। इसमें जरा सा ध्यान से देखना, देखो आप जब 11th में जाइएगा तो 11th में आपको पढ़ना है पाराबोला, ठीक है ना। 11th में अगर आप जाएंगे अगले साल तो आपको पढ़ना है पाराबोला। देखो, ये भी एक पाराबोला है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व बनता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक पाराबोला होता है, ठीक है। पाराबोला बहुत तरीके का हो सकता है, जैसे कि देखो सिंपल सा बात है, एक कर्व होगा, इसमें अगर पूछा जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कितने बार कट कर सकता है, तो मैक्सिमम क्या कर सकता है तुम्हारा, 2 बार कट कर सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है एक्स एक्सिस को, उससे ज्यादा कट नहीं कर सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलो इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, ये एक अपवर्ड पाराबोला है, क्या है तुम्हारे पास, अपवर्ड पाराबोला। सर अपवर्ड कैसे सर? देखो, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ये अपवर्ड पाराबोला। और देखो, इसको बोलते हैं हम लोग डाउनवर्ड पाराबोला, ठीक है। ओके सर। अब एक चीज और बताना चाहेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस दोनों को देखो, इसको बोला जाते हैं क्या हम लोग, देखो ये आपके पास स्माइल का देखो शेप बन रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी पाराबोला, ठीक है ना, अपवर्ड पाराबोला या हैप्पी पाराबोला। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तुम्हारा डाउनवर्ड पाराबोला या सैड पाराबोला, ठीक है ना, सैड पाराबोला। तो देखो, जो हैप्पी पाराबोला होता है ना, अपवर्ड पाराबोला, उसमें हमेशा a का वैल्यू पॉजिटिव होता है, अपवर्ड पाराबोला, ठीक है। इसमें क्या होता है, a का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, a हमेशा पॉजिटिव। तो ए देखो तुमको पॉजिटिव होगा, पता चल गया। तो देखो किसमें ए पॉजिटिव है, तो इसमें तो सीधा तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा ना, लेकिन हम तुमको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर देखो, बाकी सब में तुम्हारा क्या था, ए जो है वो देखिए नेगेटिव है, less than 0, less than 0, less than 0, तो आंसर तुम्हारा सीधा ए हो गया। लेकिन पहले एक बात और बताना चाहेंगे, इसको ध्यान से समझ लेना। इसमें देखो, अब हम लोग को मान लो कि अगर कुछ ऐसा रहता, ये भी ऐसे हो जाता, तो अब तो चेक करना पड़ता ना कि ये सही होगा कि ये सही होगा, है ना, चेक करना पड़ता ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझ लो। देखो यहाँ पर ये एक बार, यहाँ पर कुछ पॉइंट है, मतलब क्या, इस पॉइंट में x कितना होगा बताओ तो जल्दी से, x कितना होगा, 0। वेरी गुड, 0 होगा। तो 0 होगा मतलब क्या, हम लोग x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a यहाँ पे 0² + b * 0 + c। ध्यान से देखिए, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, मतलब c, देखो पॉजिटिव है, तो c क्या है तुम्हारे पास,
ग्रेटर देन जीरो, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ये वाला समझ में आ गया? चलो ये एक और बार बताइए ना सर, ऊपर से अपवर्ड पैराबोला में ये पॉजिटिव रहता है, उधर से बताइए ना सर फिर से। हाँ सर, वो क्यों रहता है सर अपवर्ड में पॉजिटिव है? देखो इसमें तुम्हारा फंक्शन होता है, ठीक है ना, ये फंक्शन है, ये आप इलेवेंथ में जाइएगा तो वहां पे तुमको तुम्हारा बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होता है पैराबोला का उसमें सिखाया जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा पूरा इलेवेंथ में एक चैप्टर ही है, तो इसको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और हम लोग अभी वहाँ सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसलिए हम तुमको बता दिए, याद रखना जो हैप्पी पैराबोला होता है उसमें तुम्हारा ए पॉजिटिव होता है, ये हम लोग पैराबोला में पढ़ते हैं, और जो सैड पैराबोला होता है उसमें ए नेगेटिव होता है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग आप जब 11 में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, हम लोग अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहीं पे देखो हम आंसर सीधा क्या कर देते हैं, ए को टिक मार देते हैं, हमको पता रहता था। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मान लो हम बताए ना, जैसे ये ऑप्शन देखो ऐसे हो जाता, या फिर एक और ऑप्शन तुम्हारा ऐसे हो जाता, आप पता कर चलता कि किस में कौन सा आंसर होगा, तो दिक्कत होता है ना। तो उसके लिए हम तुमको देखो बताते रहे कुछ और। बी को कैसे फाइंड करेंगे सर? हाँ वही 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 उसी पे आ रहे, उसी पे आ रहे, उसी पे ए और सी तो पता चल गया ना। अब देखो यहाँ पे तो तुम्हारा ए पता चल जाएगा देखते के साथ, ठीक है, सी भी निकल गया, मेन काम जो होगा वो बी पे बच जाएगा, ठीक है। बी तुम्हारा सारा नियम बदल सकता है। अब चलो बी को निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप जरा सा ध्यान से देखिए, ये तुम्हारा क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये किस क्वाड्रेंट में है एक्स कोऑर्डिनेट? फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आलोक एक्स पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है आलोक फोर्थ क्वाड्रेंट में? सर नेगेटिव, सर नेगेटिव, पॉजिटिव होता है सर। ये है सर पॉजिटिव सर, ये है एक्स पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे एक्स नेगेटिव हो जाएगा? सर पॉजिटिव सर, मिस्टेक्स हो गया, बोल दिया। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब ये वाला वैल्यू देखो माइनस बी बाय टू ए जो होगा ना लो, ये क्या है आपका ग्रेटर देन जीरो है, बोलिए हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन जीरो है। और एक चीज और हम लोग को पता चल गया है कि ए जो है, ए हम लोग के पास ग्रेटर देन जीरो है, सही बात है कि नहीं? तो होल वैल्यू सर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा? नहीं अभी नहीं, होल वैल्यू नहीं, ए देखो ग्रेटर देन जीरो है, यही तो बात समझो ना, ए ग्रेटर देन जीरो है और ये पूरा जीरो ग्रेटर देन जीरो है। तो कब ऐसा होगा? अगर तुम्हारा बी नेगेटिव हो जाए, बी नेगेटिव हो जाए, हाँ या ना? अब देखो बी अगर नेगेटिव हुआ, बी अगर नेगेटिव हुआ तभी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन जीरो होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। अरे सबको बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फिर से कहिए, अच्छा यहाँ वाला, ये वाला थोड़ा सा जल्दी से कॉपी करो, हम पूरा बड़ा बना के दिखा रहे हैं, इसको पहले कॉपी करो यहाँ तक थोड़ा सा, ये तो मतलब क्लियर है ना, ये आप याद करना होगा कि अपवर्ड में पॉजिटिव होता है डाउनवर्ड में नेगेटिव, ये हम लोग निकाल लिए जीरो पुट करके, क्योंकि 1.0 था तो पुट कर लिए, ये वाला हम बता रहे हैं, जल्दी से इसको थोड़ा नोट कर लो सर। सी सर जीरो से ग्रेटर क्यों होगा सर? हम बता रहे, सब बता रहे, पहले इसको यहाँ तक नोट करो, हम इसको हटाएंगे, नोट कर रहे हैं सर, सब बता रहे। Excuse me, sir. हो गया? हेलो, हेलो सर, स्टूडेंट गैलेक्सी J2 से कोई ज्वाइन किए हो प्लीज अपना नाम इंटर करो बाबू वहाँ पे, और साथ में सेंटर का भी नाम, गैलेक्सी J2। ये हो गया? और सर ये वहाँ आप दिए है ना माइनस बी बाई, ये माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू है इज ग्रेटर देन जीरो, वो कैसे होगा? बता रहे बता रहे, ये हो गया ना, हटा दे इसको, सब बता रहे सब बता रहे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? सी तक सर, सी वाला फिर से बता दीजिए ना सर, सी क्यों ग्रेटर देन जीरो है? सी क्यों ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर ये बताओ इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या होगा? जीरो, जीरो होगा। तो हम लोग बस इसमें x का वैल्यू जीरो पुट कर दिए, देखो a इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस c, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, c बचा, c पॉजिटिव है मतलब c ग्रेटर देन जीरो होगा, आया ना? यस सर, यस, यहाँ से c आया।
अब चलो इसको बताते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, समझो। यहाँ पर ध्यान से देखो, माइनस बी बाय टू ए है, माइनस बी बाय टू है, किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? पॉजिटिव है ना? Yes, बोलो sir. और ये एक्स का वैल्यू है, सही बात है ना? ये एक्स का वैल्यू है ना जी? Yes, sir. एक्स का वैल्यू है, इसका मतलब क्या कि ये पॉजिटिव होगा। माइनस बी बाय टू ए जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब माइनस बी बाय टू ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना? Yes. अब समझो, जरा सा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो कुछ लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी, और क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बताना तो जरा सा ध्यान से, माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी बाय टू ए इज लेस देन जीरो, हो जाएगा ऐसा कुछ? या यहां पर भी दिक्कत है तो इसको देखो एक और तरीका से बताते हैं, समझो। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि a जो है हम लोग का ग्रेटर देन जीरो है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर, ये हम लोग का ग्रेटर देन जीरो है। अब जरा से समझिएगा, इसका मतलब है क्या कि माइनस b भी हम लोग का ग्रेटर देन जीरो होगा, हाँ या ना? देखो ये पूरा ग्रेटर देन जीरो है, तो ये अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब माइनस b भी ग्रेटर देन जीरो होगा। यस सर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, दोनों साइड माइनस से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपके पास प्लस बन जाएगा। तो जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई, किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस या प्लस से, तो इक्वालिटी में चेंज आता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पर बताओ बी जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अब क्या आ गया तुम्हारे पास, ए जो है ग्रेटर देन जीरो, बी जो है वो लेस देन जीरो, और सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्लियर है कि अभी भी कुछ डाउट है? किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, तुम ही लोग बता दोगे। दूसरा वाला क्वेश्चन इसको जरा सा कॉपी करो, फिर दूसरा वाला दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा करेक्ट फिगर है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना? तो फिगर अपना हम चैट में भेज देंगे, आप फिगर को चेंज कर लीजिएगा। अगला फिगर हम बना रहे हैं। सर वो कॉमा के बाद क्या लिखें सर, राइट कॉर्नर में? राइट कॉर्नर में कॉमा के बाद कहाँ पे? इधर सर, ग्राफ के पास में सर, ग्राफ से राइट कॉर्नर, ये? हाँ सर, हाँ सर, ऊपर में डी माइनस डी, माइनस डी बाई फोर ए। ओके सर। अगला क्वेश्चन का देखो, 10 नंबर बता रहे हैं। ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो। इसके बाद है ए लेस देन जीरो, बी तुम्हारा लेस देन जीरो, सी तुम्हारा लेस देन जीरो। उसके बाद बी में ए लेस देन जीरो, बी क्या है लेस देन, और तुम्हारे ये क्या है ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्राफ में चेंज आएगा। ये हो गया ना पूरा? देखो इसको हम लोग बोलते हैं सैड पैराबोला, ठीक है? माइनस बी बाय टू ए होता है माइनस बी बाय, चलिए ये आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश। अब जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा? चलिए पिछला कंडीशन जो हम लोग किए ना, उसी से सोच के बताइए, सोच के जल्दी से बताइए।
सर सेट पैराबोला में सर ए का वैल्यू कितना होगा सर? जीरो का? जीरो से छोटा होगा। नेगेटिव नेगेटिव ए हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ब्रैकेट में लिख लेना सेट पैराबोला, याद रहेगा। चलो अब बताओ इसमें सी निकालो। सी ए हम लोग को पता चल गया नेगेटिव है, ए लेस देन जीरो होगा। उसके बाद आपके पास सी निकालिए। सी कैसे निकलेगा? तो देखो एक पॉइंट पे एक्स क्या होगा? जीरो। जीरो इस पॉइंट पे सी जीरो होगा। तो निकालने का तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पता कर सकते हैं कि सी हम लोग का क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा। हाँ या ना? यस। ये और तुम्हारे पास c क्या है? ग्रेटर देन जीरो चाहिए। देखो एक ऑप्शन में देखो a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो, देखो तीन ऑप्शन आ गया कि नहीं। अब देखो c ग्रेटर, तो उसके बाद समझो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो जरा सा c हम लोगों को ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो देखो ये अभी ऑप्शन खत्म हो गया। अब बचा क्या? ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला या ये वाला करेक्ट होगा। अब कौन सा करेक्ट होगा ये हम लोग को चेक करना होगा। कौन बताएगा? b बताएगा। सही बात है ना जी? भी बताएगा ना? बोलिए। यस सर। यस सर। बताओ 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 क्या वैल्यू हो सकता है बी का? बताओ तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे देखो इनका माइनस होगा वैल्यू। एक्स किस क्वाड्रेंट में है? बी सेकंड। सेकंड देखो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, देख के बता सकते हो कि बी क्या होगा? माइनस। जीरो से छोटा होगा सर। बी क्या होगा? जीरो से छोटा। बी लेस देन जीरो होगा। तो आंसर कौन सा हो गया? बी वाला, सेकंड वाला, ठीक है ना बी। लेकिन चलो फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो माइनस बी बाय टू ए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? नेगेटिव। दैट मींस एक्स जो होगा आपका क्या होगा? नेगेटिव। मतलब क्या? लेस देन जीरो। अब यहाँ पर ए तो बोल रहा है क्या? नेगेटिव है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ऑलरेडी ए नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव हो गया इसका मतलब बी को क्या होना पड़ेगा? देखो ये वाला खत्म हो गया, ये पॉजिटिव हो चुका है, तो बी को क्या होना पड़ेगा? लेस देन जीरो होना पड़ेगा, है ना? तो बी लेस देन जीरो यहीं पे है ना, तो ये ऑप्शन सही। क्लियर है? क्लियर है कि किसी को कोई दिक्कत है? सर एक बार फिर बता दीजिए। एक बार फिर बता। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर ए जो है नेगेटिव आ चुका है ना? यस सर। ए नेगेटिव है, ठीक है। और सी पॉजिटिव आ चुका है ना? यस सर। अब हम लोगों को सिर्फ बी वाला पता करना है कि क्या होगा। बी वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? देखो अब हम कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिखते हैं, एक्सपैंड कर। माइनस बी बाय टू ए, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए तुम्हारा क्या है? नेगेटिव है। हम देखो वैल्यूज में अब लिख रहे हैं ताकि तुमको ज्यादा अच्छा समझ आए। ए यहाँ पे देखो माइनस है, B है और A देखो नेगेटिव है। यहाँ पर A क्या है? नेगेटिव है। हाँ हाँ या ना? यस सर। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कट गया। हाँ या ना? यस यस सर। बचा क्या? ये टू इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। यस सर। तो बचा क्या? B लेस देन जीरो, यही बचा ना? यस सर। यही तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन है। यस सर। आप लोग इसके ग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, अगला साल पढ़ना है सब कुछ, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब कुछ। ये हो गया क्लियर? कॉपी कर लो, करना है कॉपी तो जल्दी कर लो। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। सर एक मिनट मैं भी लूंगा। हाँ सर। निखिल, मेरी आवाज अगर जा रही है, निखिल कुमार आप भैब सेंटर से हो तो आप वही निखिल हो ना जो नाइन्थ में थे? निखिल निखिल मेरी आवाज जा रही है? निखिल 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 अगर सुन पा रहे हो सर को रिप्लाई करो।
निखिल एंड प्रेम कुमार। प्रेम मेरी आवाज आ रही है? प्रेम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, देखो रिप्लाई दो, अदरवाइज मैं लीव कर दूंगा तुम्हें। आप अगर नहीं बोलोगे तो मैं लीव कर दूंगा। सर मेरी आवाज शायद उन लोग तक नहीं जा रही है क्या? आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग सर का? यस सर। यस सर। यस सर। सबको तो सुन पा रहा है? निखिल और प्रेम दोनों रिप्लाई कीजिए मुझे। निखिल और प्रेम। यस सर। या प्रेम आप कहाँ से हो? सर मैं बाद हूँ। बाद में कहाँ? हेलो, बात कर लो प्रेम। आप ना प्रेम, आप ना मुझे सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? प्रेम आप कहाँ रहते हो? आप बात कट रहे हैं। आवाज कट रहा है प्रेम। आवाज कट रही है। अच्छा सर, मेरा नंबर जो है ना सर, एक बार हाँ। बोर्ड पे लिख दीजिएगा, बोलिएगा कि वो कॉल कर लेगा मुझे। निखिल मेरी आवाज सुन रहे हो ना, तो तुम भी मुझे कॉल कर लेना। देखो हम सर का नंबर लिख देते हैं, आप लोग उनको कॉल कर लीजिएगा। अच्छा एक और बताओ, ट्रेन का क्वेश्चन किसी को कंफ्यूजन था क्या? फिर वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला कोई क्वेश्चन था जो किसी को डाउट था? ट्रेन वाला सर। ट्रेन वाला जो ट्रेन चल रहा है 100 वाई किलोमीटर, वही ना? हाँ, लेट हो जाता है उसका इंजन से। अच्छा अच्छा, इंजन फेल होने वो वाला क्वेश्चन सर, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी तो बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना के भेजना, हम देख लेंगे। सर अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन से बनाना रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना देंगे तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तब लिखा नहीं ना रहेगा सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाना है। लिखा नहीं रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिखा रहेगा तब दिक्कत है। सर देख सर, एक टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना सर कि मतलब ये लेट कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड जो ट्रेन का है ना वो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या मान लेते हैं, और टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, एंड टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ जर्नी जर्नी भी y किलोमीटर, और टोटल जर्नी का जो आपका डिस्टेंस है वो हम लोग मान लेते हैं कितना, y किलोमीटर। अब चलो केस क्रिएट करते हैं। तो पहले लेते हैं केस वन। इस समय क्या हुआ होगा कि ट्रेन का इंजन कब खराब हुआ होगा, जब वो 30 किलोमीटर चल चुका होगा। तो खुद सोच के बताना, अगर कोई ट्रेन है, यहाँ पे दूसरा केस बनाएंगे, अगर कोई ट्रेन है तुम्हारे पास 30 किलोमीटर चल चुका है, मान लो ये वाला डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और ये टोटल डिस्टेंस है तुम्हारे पास y किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? y माइनस 30 किलोमीटर। y माइनस 30 किलोमीटर। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बात है ना? बोलो हाँ या ना। एक चीज जरा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, सही बात है? बोलो हाँ या ना। yes, देखो यहाँ पे और समझना इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को समझने का तरीका बता रहे। यहाँ पर देखो तुम, तो प्रॉब्लम किस में आ रहा है, टाइम में प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्टेंस में वही है, ठीक है ना। प्रॉब्लम किस में आ रहा है, टाइम में।
टाइम के चलते स्पीड में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम का केस बनाएंगे हम। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, बोलो हाँ या ना, बोलिए। यहाँ तक में कोई yes, दिक्कत नहीं है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? No, यहाँ पर टाइम कितना होगा बताओ, टाइम कितना लग रहा होगा टोटल जर्नी में, टोटल जर्नी में टाइम कितना लग रहा होगा बताओ। टोटल डिस्टेंस है तुम्हारे पास क्या, y by x सर, y by x, y। और टोटल स्पीड हम लोग मान चुके हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड x है। तो टाइम जो टोटल टाइम ट्रेन को लग रहा होगा जर्नी को कवर करने में, वो क्या होगा, y by x। क्लियर है ना? मतलब टोटल टाइम हम लोग के पास y by x लग रहा होगा। पहला केस में देखो आप, इसमें 30 किलोमीटर जब चला होगा, 30 किलोमीटर वाला टाइम को T1 मानते हैं, T1 टाइम में 30 किलोमीटर चला होगा, तो T1 टाइम कैसे निकलेगा बताओ। ये डिस्टेंस है ना, और बाय स्पीड, तो ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर किस स्पीड से ट्रेवल किया है बताओ। 30 किलोमीटर सर x से स्पीड से, x के स्पीड से ट्रेवल किया है, तो क्या हो जाएगा 30 बाय x। बोलो हाँ या ना, बोलो। पॉइंट का नाम दे देगा ए बी सी, नाम दे देते हैं। तो T1 चला है कहां से, ए टू बी चला है 30 बाय x। अब बताओ उनको बी टू सी का क्या होगा, बी टू सी बताओ ये कितना टाइम लिया होगा यहाँ से यहाँ चलने में, y by 2, y minus 30 by x, y minus 30 by x नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है ना यहाँ के बाद जो है वो ट्रेन का इंजन खराब हो गया। अब इंजन खराब हो गया तो स्पीड घट गया, देखो यही ना बोला, 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड है x, और इस x का 4/5 टाइम्स हो गया स्पीड। क्लियर है, आया ना? Yes, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 × y − 30/4x। क्लियर है? Yes, sir. अब बताओ टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी t है, लेकिन अब ट्रेन खराब होने के बाद कितना ज्यादा लग रहा, कितना समय ज्यादा लग रहा, 45 मिनट। तो मतलब ट्रेन का जो जर्नी है ना वो आपका t + 45 हो गया। हाँ या ना, बोलिए। ट्रेन का जर्नी t + 45 हो गया ना जी, और t + 45 मिलके कितना, तो 30/x, और प्लस है आपके पास क्या, 5 × y − 30/4x। बोलिए क्लियर है, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक, बोलो जल्दी से बता दो किसी को कोई डाउट है तो। अब एक चीज और बता देते हैं हम, देखो अब तुम बोलोगे कि सर इसको तो दो वेरिएबल में लाना होगा, तो दो वेरिएबल में मिला देंगे। कैसे, t का वैल्यू क्या है बता दो उनको, t का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे t का क्या वैल्यू है, देखो t का वैल्यू है y/x + 45 = 30/x + 5y − क्या हो गया 5 × 3 = 50, y क्या है तुम्हारे पास 4x। इसको सॉल्व करेंगे आगे, पहले केस टू बना लेते हैं फिर। अब जरा सा केस टू हमको समझा देना, यहाँ पर केस टू में अब ट्रेन कब खराब हो रहा है, बोल रहा है क्या कि ट्रेन ऐसे करके चल रहा था तो 30 किलोमीटर चल चुका था, 30 के बाद और 18 किलोमीटर चल चुका, ठीक है ना, तब जाके खराब होता है। मतलब टोटल कितना 30 और 18 48, टोटल है आपके पास क्या y, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना y − 48 किलोमीटर। क्लियर है ना यहाँ तक, बात समझ में आ रहा है, बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यहाँ पर बताओ T1 टाइम जो लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा T1 टाइम, तो T1 टाइम जो है फिर से बोले 48/x लग रहा होगा। T2 टाइम क्या लग रहा होगा ये बता दो, y − 48/4/5x y − 48/4/5x लग रहा होगा। टोटल टाइम क्या लग रहा होगा बता दो, जर्नी का टोटल टाइम क्या हो रहा होगा, जर्नी का टोटल माइनस सर t − 9/16 इसको ऐसे लिखते ताकि दिक्कत ना, t प्लस बोल रहा है क्या
कि इसने जितना लेट हो रहा था ना उससे 9 मिनट अब कम लेट होगा। लेट तो होगा क्योंकि इंजन तो खराब हुआ है तो लेट तो गाड़ी होगा, लेकिन जितना पहले समय लगा रहा था लेट होके उससे अब कम लगाएगा, 9 मिनट और कम लेट होगा। मतलब क्या हम लोग 45 में से क्या माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना हम लोग के पास बताइए तो 36। ठीक है, इस मिनट में है, ये आवर में है, कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ और यहाँ दोनों जगह 60 से डिवाइड करना होगा जी। तो ये आ गया तुम्हारे पास T1 कितना है 48 बाई x है, T2 कितना है तुम्हारे पास तो 5 इंटू वाई माइनस 48 बाई क्या है तुम्हारे पास 4x। बोलो बात समझ में आ रहा है मेरा, बात समझ में आ रहा है जी, बोलिए जल्दी से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, जितना भी लोग को किसी को भी दिक्कत है तो माइक ऑन करके जल्दी से बोल दो। बाकी का सॉल्यूशन तुम्हारे, मतलब पूरा सॉल्यूशन तो तुम्हारे चैट में है ही, बस ये कॉन्सेप्ट था, अब सॉल्यूशन है सॉल्व करना है। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना सर, केस टू फिर से समझा दीजिए। केस वन फिर से समझा दीजिए। पहला बोला टोटल डिस्टेंस y है, कोई दिक्कत है बोलते जाओ सर। 30 किलोमीटर गाड़ी चला, 30 किलोमीटर गाड़ी चला, उसके बाद गाड़ी खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। किलोमीटर चला तो बचा हुआ डिस्टेंस y माइनस 30 होगा, हाँ या ना? यस सर। और हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब डिस्टेंस है 30, स्पीड है 30। यस सर। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा होगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है कितना तो y माइनस 30, स्पीड क्या हुआ है, स्पीड को क्या हुआ, ओरिजिनल स्पीड का 4/5 हो गया है स्पीड, ठीक है 4/5 हो गया। पहले अगर गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा होगा, तो अब क्या होगा 4/5 ऑफ 20 चलेगा, तो मतलब कितना 5/5 कट गया, तो 4/4 जा 16 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी अब चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो 30 y - 30/4x 4/5 × x क्लियर है? Yes, sir. अब हम पूछेंगे कि बताओ जर्नी का टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम कितना लगा हुआ जर्नी में। तो जर्नी अगर मान लो यही स्पीड से होता, y डिस्टेंस होता और x से गाड़ी चलता, तो टाइम कितना लगता, y बाय x लगता ना, अगर गाड़ी खराब नहीं होता। अगर गाड़ी खराब नहीं होता तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस था y, टोटल स्पीड था x, तो टाइम कितना y बाय x होता, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अब गाड़ी खराब हो गया है तो ये 45 एक्स्ट्रा लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो टोटल जर्नी का टाइम पूछा जाएगा तो t प्लस 45, बोलो। यस सर। यस सर। 45 जो है ये वाला और ये वाला मिलके आएगा, हाँ या ना, क्योंकि खराब तो यही ना हुआ है जी, यहाँ तक yes. तो ठीक है लेकिन खराब तो यही हुआ है, तो ये दोनों मिलके ये टाइम ला रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये वाला लाइन तो क्लियर ही होगा, इसमें समझो ये वाला केस समझो। अब गाड़ी जो है ना बोल रहा है कि 30 किलोमीटर पे खराब नहीं हुआ, 30 किलोमीटर तो चल चुका था, और 18 किलोमीटर और चलता उसके बाद खराब होता, तो 30 किलोमीटर यहाँ पे 30 था और 18 चला, तो कहाँ पहुंच गया गाड़ी, कहाँ पहुंच गया, 48 किलोमीटर पहुंच गया है ना, पहले हम 30 चल चुके थे और हम 18 चले, तो हम 48 पहुंच गया ना जी, बोलिए, बोलो आलोक, आया ना? हेलो यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो उसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा आलोक, y माइनस 48, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब एक बात बताना आलोक, यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम नाम दे देते हैं, ए से बी तक का टाइम क्या लग रहा होगा आलोक, 48 by x, हाँ या ना? यही ना होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, देखो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 48, स्पीड है x, तो टाइम t1 क्लियर है? यस सर। टाइम t2 के लिए समझो आलोक, t2 के लिए यहाँ पे क्या है, y माइनस 48 ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है और ये तुम्हारे पास स्पीड है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब टोटल टाइम बोल रहा है इस बार, अब सोचो खुद सोचो, यहाँ तक गाड़ी ठीक गया है
यहाँ से यहाँ तक में आपका गाड़ी लेट हुआ है, तो पहले जितना समय लगा रहा था उससे और कम समय लेट होगा ना, वो बोला कि कम लेट हुआ है तो आपके पास 9 मिनट कम लेट हुआ है, पहले 45 लेट हो रहा था, 9 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, इससे 9 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, नहीं है कि तुम्हारा ओरिजिनल टाइम के पहले पहुंच जा रहा है, इससे 9 मिनट कम लेट कर रहा है, तो मतलब क्या अब लेट कितना कर रहा होगा, पहले 45 कर रहा था तब ये लेट 36 मिनट लेट होगा, हाँ या ना? यस सर। तो देखो टोटल टाइम अब क्या ही ना होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी प्लस दिस, और ये क्या है तुम्हारे पास टोटल टाइम ऑफ जर्नी, बराबर है ना, इस दोनों LHS, RHS बराबर है ना जी? यस सर। यस सर। चलो यही तक था, इसको यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, ऐसे आपके चैट में भी है, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। गुड। तो ये सब क्वेश्चन देखो स्कूल में पूछा जाएगा, ऐसा बहुत कम चांस है, ठीक है ना, स्कूल में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, इसका बहुत कम चांस है, ठीक है, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये अभिजीत पूछा था, चलो ठीक है, हटा दे इसको ना। हाँ क्या बोल रहे थे बोलो? लीनियर इक्वेशन का डीपीपी नहीं मिलेगा, मतलब चैट में सर है, सर से आप बात करिए, सारा डीपीपी वगैरह जो भी है आप क्वेश्चन बना के दीजिए सर, हम क्वेश्चन बना के दे, अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन बना के हम भेज देंगे सर को, भेज देंगे आपका, अपलोड हो जाएगा। इनको डीपीपी किनको चाहिए? हमको चाहिए सर। नाम बताइए अपना। सौरभ। सौरभ यस सर, आपका मोबाइल ऐप आपने डाउनलोड रखा है? यस सर। तो उसमें आपको डीपीपी नहीं मिलता है? अभी ज्वाइन नया डाउनलोड किया है तो नहीं आया है। चलिए ठीक है, आप मेरा नंबर आप अभी नोट किए थे क्या, या फिर आप अपने सेंटर हेड से कांटेक्ट कीजिए ना, आप कौन से ब्रांच से हो सर? कॉर्पोरेट से है सर। अच्छा कॉर्पोरेट से है, तो वहाँ पे निखत मैम है या फिर वहाँ पे कैलाश सर है, उन लोग से एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है ना? हेलो ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस से टॉपिक पे आ जाते हैं, हम लोग आज तो कोई डिस्कशन में चला गया क्लास, कोई बात नहीं। चल देखो हम लोग अभी कैसे पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ठीक है ना, किस मेथड से पढ़ेंगे तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बात समझाते हैं समझो ध्यान से, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी तो टाइम आपका बहुत कम बचा है, नेक्स्ट क्लास में हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलीनोमियल को उसका जो जीरोस होता है ना वो बहुत ही आसानी से समझो तुम्हारा ट्रिक बोल सकते हो, उस मेथड से निकाल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है ना माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक तुम्हारा क्या है आप बोल सकते हैं फेस वैल्यू है, ठीक है ना, ये एक तुम्हारा लिखने का तरीका है कि हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में बना के सॉल्व कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ताकि हम लोग का थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। अब क्या करना है तुमको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में बनाना है। देखो क्या करना होता है ना, एक फॉर्मूला में हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे ध्यान से देख, पहले क्या करो मैं इसको ऐसे लिख दो,
ये जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको इक्वल टू के दूसरे साइड लेके चले जाओ, तो देखो कैसे लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब देखो इसको क्या करो ना, तुम एक फॉर्मूला में बना लो, किस फॉर्मूला में, तो ए माइनस बी के फॉर्मूला में या ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला में जनरेट कर लो। ठीक है, जनरेट कर लेंगे, जैसे ही हम लोग जनरेट करेंगे वैसे ही हम लोग का आंसर जो होगा ना वो देखने लग जाएगा। तो देखो इसको स्प्लिट करके लिखो, कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है बताओ तो, अगर हम लिखते हैं क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता क्या है आपके पास ए स्क्वायर माइनस प्लस बी, वैसे ही लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस देखो ध्यान से टू इंटू थ्री एक्स इंटू थ्री। देखो यहाँ पे हम लोग को यहीं से पता भी चल जाएगा ना कि b क्या होगा, हम लोग को पता भी चल जाएगा कि b क्या होगा यहीं से। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास देखिए 2 इंटू ए इंटू बी है, आया ना, इज इक्वल टू क्या है माइनस थ्री। अब यहाँ पर देखो b वाले के लिए क्या करना होगा, इधर दोनों साइड कुछ ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, और क्या करते हैं हम प्लस देखो रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री है ना तो थ्री का स्क्वायर, यहाँ पर देखो थ्री है तो बी आपका थ्री है तो थ्री का स्क्वायर पुट कर, थ्री का स्क्वायर इधर ऐड किए हैं तो आपके पास थ्री का स्क्वायर आपको इधर भी ऐड करना होगा, आया ना, बैलेंस करने के लिए दोनों साइड ऐड करना होगा ना जी, बोलिए आया ना। यस सर, अब जरा ध्यान से देखना, तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या एक्स माइनस होल स्क्वायर, आया ना, इधर क्या आ गया माइनस थ्री और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास थ्री का स्क्वायर नाइन, हाँ या ना, बोलो थ्री का स्क्वायर नाइन। यस सर, दैट मींस एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन में से थ्री गया कितना बचा सिक्स, देखो ये रूट इधर जाएगा ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ना जी, बोलिए। यस सर, यस सर, हमारे पास x माइनस थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स, रूट जब भी आता है ना तो अपने साथ प्लस और माइनस लेके आता है, रूट जब भी आता है अपने साथ प्लस माइनस लेके आता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपका आंसर आ चुका है कि आप एक बार लिख सकते हैं x इज इक्वल टू थ्री, माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा, थ्री प्लस माइनस रूट सिक्स, मतलब एक बार x जो होगा थ्री प्लस रूट सिक्स होगा और एक बार एक्स जो होगा वो क्या होगा थ्री माइनस रूट सिक्स होगा। ये देखो आंसर तुम्हारा आ चुका, जल्दी से नोट कर लो इसको और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सर कोई दिक्कत नहीं। गुड, और किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको? यस सर, नोट डाउन हो गया? यस सर, थोड़ा सा बचा है दो दो। यस सर, हो गया। आपको समझ में आ गया दीक्षा? दीक्षा आया समझ में? यस सर। दिक्कत होगा तो बताना। देखो अगला क्वेश्चन है, बना के दिखा दो जरा सर। क्वेश्चन है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व करके बताओ। इसको जल्दी से सॉल्व करो। बैप सेंटर से भव्या है, भव्या समझ में आ गया आपको? भव्या सर, एक्स का वैल्यू माइनस फोर प्लस रूट 18 और एक यस फोर माइनस माइनस
बोलो एक एक करके बोलो। माइनस फोर प्लस रूट 18 और माइनस फोर माइनस रूट 18 एक्स बराबर। नहीं ऐसा तो नहीं आया यार आपको। नहीं थ्री रूट टू माइनस थ्री रूट इक्वल टू फोर प्लस रूट 18 को 18 को कर दिया होगा सर चेंज। हाँ, हाँ, सर रूट 18 आया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक उसी 18 को ही कर दिया सर। एक्स इक्वल टू फोर प्लस रूट 3 और फोर माइनस रूट 3 मतलब रूट 18। हाँ 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 ठीक है वो 18 को तोड़ के छोटा कर दो ठीक है। हाँ सही है तो हो गया। इसके बाद इसको बना के दिखा दो जरा सर। इसमें जिसको दिक्कत है ना वो पूरा बताएंगे परेशान मत। इसको बनाना 10x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू। आदिति है क्लास में? आदिति प्रेजेंट है? नहीं सर आदिति नहीं है। अच्छा नहीं। ये वेब सेंटर से कौन है सर? भव्या नाम भव्या है ना? भव्या सिंह। भव्या सिंह कॉर्पोरेट की है सर। अच्छा कॉर्पोरेट की है। समझ में आ गया आपको? यस सेंटर से है अभिजीत है सर। आ गया सर वैल्यूज इसका। यस सर इतना आ गया सर। एक आया सर x equals to 1 by 2 और x equals to minus 1 by 5। x is equal to 1 by 2 हाँ ठीक है। चलो ये वाला में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलो बताएंगे। किसी को भी दिक्कत सर, हो x is equal to 1 by 2 और x is equal to 1 इसका इसका। यस सर x is equal to 1 by 2 और दूसरा सर 1 by 5। हाँ ठीक है। यस सर माइनस 1 by 5 आया होगा। हाँ सर। हाँ ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर बन गया। ये भी बन गया ठीक है तो इसको बनाओ। तो देखो अगर किसी को दिक्कत होगा माइक ऑन करके बोल देना बिल्कुल भी कुछ झिझक मत रखना। अभी हम लोग a square x square minus 3abx plus 2b square is equal to 0 सॉल्व करो इसको जल्दी से। देखो इस एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सारा बना लेना अगली क्लास में फिर हम लोग वाला आगे बात करेंगे। और सर जो इसके ऊपर वाला बनाया ना स्प्लिट से बना है स्प्लिट करके इससे नहीं बना है कंप्लीटिंग द। हां सर उससे नहीं बन रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये वाला नहीं बन रहा है। नहीं सर वैसे नहीं बन रहा सर 10 मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तुम बन गया सर उसको उनको बोलने दो। बोलो अभिजीत वैसे नहीं बन रहा सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उससे नहीं बना तो बोलना चाहिए ना। देखो एग्जाम में बोल देगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए तो उसी से तुमको बनाना पड़ेगा ठीक है। इसलिए था देख लो बन जाएगा। यहाँ पर देखो करना क्या है ना ध्यान से इसमें तुम ऐसे कर दो इसको पहले क्या कर दो कि इसको स्क्वायर बना लो तो कैसे हो जाएगा बताओ तो 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 3x आया ना जिनका बन गया है ये वाला आप बनाइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाइएगा ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना बोलो। यस सर तुम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 10x स्क्वायर माइनस 3x सर माइनस 1 बाय x तो सर मतलब सर माइनस में ना सर तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा सर? कौन ये वाला? हाँ सर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिए और दूसरे साइड भेज दिए। यस सर क्लियर है? यस सर यस सर ठीक है हम थोड़ा सा स्टेप को कम कर दिए। ओके चलो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे ना ये देखो रूट में जा रहा है हम क्या करते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर बना देते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ध्यान से देखो
10 इंटू 10x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 10x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 आया ना वो क्योंकि सर ये क्योंकि मल्टीप्लाई क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कारण ये था कि तो हम मल्टीप्लाई चाहे तो नहीं भी करते हम इसको रूट में भी रख सकते थे ठीक है ना लेकिन हम क्या देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर देने से ना ये वाला जो है ना वो तुम्हारा एक तो रूट में नहीं आ रहा रूट से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम रूट से देखे बचा सकते थे तो बचा लिए तो क्या कर दिया यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से बहुत ही आराम से लिख सकते अरे बस बस इसीलिए और इसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक नहीं आप चाहे तो रूट में भी रख सकते हैं रूट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा और क्या तो देखो इसके बाद यहाँ पे तुमको क्या करना है यहाँ पे आपको 2 चाहिए तो अगर आप ऊपर 2 लिखेंगे तो आपको नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा तब ना तुम्हारा 2-2 बैलेंस होगा तो हमको 2 लाना था हम ले आए 2 फिर हमको क्या चाहिए था देखो मेरे पास क्या है ए बी है मतलब क्या 10 है और एक्स है बच गया क्या मेरे पास ध्यान से देखो तो मेरे पास बच गया 3 तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना इस 3 को इसके नीचे लिख लेते हैं कोई फर्क पड़ना पड़ेगा बोलो हाँ या ना कोई फर्क पड़ेगा क्या नो सर चलो अब हम क्या करते हैं ना इधर देखो प्लस 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं इस साइड करेंगे प्लस तो इधर भी प्लस करना होगा 3/2 का स्क्वायर बोलो क्लियर है क्या अभिजीत वो वाला नहीं है सर जो बीच में माइनस 2 इनटू उसके साथ ये किया ना 3/2 मल्टीप्लाई हाँ सर 3/2 क्यों मल्टीप्लाई किया 3/2 नहीं मल्टीप्लाई किए बाबू देखो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो वापस में जो चीज है वही चीज आ गया ना तुम्हारे पास देखो आया ना यस नहीं समझ में आया कोई बात नहीं फिर से देखो ध्यान से देखो नीचे कर रहे देखो तुम्हारे पास 10x स्क्वायर है ये वाला पोर्शन तो क्लियर है इसको समझो इसको हम ऐसे लिख सकते थे देखो मेरे पास है क्या मेरे पास है 10x into 3 ये मेरे पास है बोलो हाँ या ना हाँ सर अब एक चीज जरा सा हमको ध्यान से बताना फॉर्मूला जो होता है ना वो 2 into a into b होता है हाँ या ना यस सर तो देखो मेरे पास a तो है ठीक है b भी आप बोल सकते हैं कि है लेकिन मेरे पास ये 2 नहीं है आ रहा बात समझ में हाँ या ना वो अगर ब्रेक होगा तो आएगा ना सर ये वाला ब्रेक होगा तो हाँ सर ठीक है तुम इसको ब्रेक करके बिल्कुल ला सकते हो तो फिर क्या ए बचेगा ये हाँ सर वो नहीं बचे तो आ रहा बात समझ में ना हाँ सर तो क्या करेंगे इसको 2 से अगर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कहाँ में मल्टीप्लाई करना होगा नीचे में डिवाइड क्लियर है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे क्लियर है ना अभिजीत यस सर अब देखो क्या करना है तुमको 3/2 का होल स्क्वायर है हम लोग क्या किए देखो यहाँ पे b के जगह पे 3/2 आया तो 3/2 क्या कर दिए प्लस कर दिए तो अगर इधर प्लस करेंगे तो इधर भी हम लोग को क्या करना होगा 3/2 का होल स्क्वायर को प्लस करना होगा क्लियर है यस सर अब तो क्लियर है ना सबको हाँ सर चलो ठीक है बस काम हो गया खत्म अब यहाँ से आपको क्या करना है फॉर्मूला में लिख देना है कौन फॉर्मूला बनाइए ये फॉर्मूला बना 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर सॉल्व कर लो तो कितना है तुम्हारे पास 10 है और प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/4 है यही ना सॉल्व करके आंसर ले सर सर हाँ सर RHS में 10 कैसे आया था RHS में 10 कैसे आया था यस सर देखो हम लोग क्या किए RHS में 10 कैसे आया था यहाँ पे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज से तो सिर्फ एक साइड करिएगा या दोनों साइड करिएगा यस सर दोनों साइड कर इसीलिए आ गया क्लियर यस सर चलो और किसी को किसी तरीके का डाउट है क्या और किसी को किसी तरीके का डाउट है नहीं है ना तो आगे बढ़ते चलो ये वाला क्वेश्चन बन गया स्प्लिट से बना सर स्प्लिटिंग से बना ये भी स्प्लिटिंग से बना हाँ सर वैसे मान गया सर समझ नहीं आया कंप्लीटिंग से नहीं बना सर इसका आंसर आ गया
आ गया आंसर। आंसर बताओ तो बाबू, आंसर बताओ। 2b/a। 2b/a हाँ, 2b/a और b/a सही है। तुम्हारा कैसे बना? तुम्हारा उससे बना ना, कंप्लीटिंग से ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। गुड, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये भी बताते हैं, ठीक है? चलो ये हम बता रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो इसमें आगे कुछ नहीं करना है, किसी को तो डाउट नहीं है ना, बस एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो ये वाला हम बता दें, बस आपको क्या करना है ना, इसमें फॉर्मूला जनरेट करना है, फॉर्मूला जनरेट करना है, बस काम खत्म हो जाएगा। इसमें भी देखो सेम काम करेंगे इसको आप। हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया। और भी जिनको दिक्कत है देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग a और x को करके होल स्क्वायर कर लेंगे। और आपके पास क्या, ध्यान से देखिए, 3 है, देखो a x है तो हम लिखेंगे a और x को साथ में लिखेंगे। फिर क्या हम लोग के पास b है, यहाँ पे हम लोग क्या चाहिए, देखो 3 है आपके पास, 3 है और आपके पास b है, लेकिन आपके पास 2 नहीं है, तो आप यहाँ पे ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में आपको फिर से डिवाइड भी करना होगा। तो ये देखो बन गया 2 into a into b, 2 into a into b, b तुम्हारा क्या है 3b/2। और इसको हम क्या बोले, दूसरे साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 2b² -2b। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, प्लस करना है। क्या प्लस करना है आपको, दिख गया है कि b क्या है, इसी को आपको प्लस करना है। तुम्हारे पास ए एक्स का होल स्क्वायर -2 into a x और इंटू में क्या हो जाएगा 3b/2 और प्लस करना होगा 3b/2 का होल स्क्वायर। तो इधर भी तुमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा 3b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स -3b/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखो हम कुछ नहीं किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 into a into b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। ये क्या था, 2b नहीं ना होगा सर, ये होल स्क्वायर नहीं है, 2b। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ये होल स्क्वायर नहीं है, तो आपके पास -2b² और इसको चलो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9, है ना। और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 9b² / 4। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। देखो इसको हम पूरा ही बना दे रहे हैं, टी को कोई दिक्कत नहीं होना। एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, देखो 4 - 8b² + 9b² / कितना हो जाएगा जी, 1। अब देखो 9b² में 8b² गया, क्या बचेगा, ax - 3b/2, है ना। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो जरा सा, 9 में से 8 गया, है ना, ये बच गया b² / 4। अब तुम्हारे पास देखो ये वाला जाके इधर माइनस होगा, तो माइनस करो जरा सा ले जाके, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू, इसको आप क्या करिएगा, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर, वहाँ पर रूट निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स b/2 इज इक्वल टू हो जाएगा √b² / 4। रूट आता है अपने साथ प्लस माइनस लेके आता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए एक्स -3b/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +d/2, है ना। तो अब देखो दो आंसर आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास बताओ तो, 3b/2 + b/2, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b/2 - b/2। इसको देखो a को डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहीं से हटा के, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। तो x इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, 1/a, यहाँ पर भी देखो ऐसे करके कर दे रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a। देखो इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 3b + b 4b, 4b/2 क्या हो जाएगा, b/2।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री बी माइनस बी टू बी बाई टू, मतलब क्या, बी बाई टू, चलो बी बाई टू ए, और यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर आ गया कितना, टू बी बाई ए। चलो नोट कर लो जल्दी से। तो देखो अब हम लोग का टाइम बहुत ओवर हो गया है, तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं तक रखेंगे। इससे तुम्हारा सेकंड वर्कशीट का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सेकंड वर्कशीट। सर हम लोग के पास और टाइम है क्या? नहीं सर, अभी फिर 10 मिनट के बाद फिर सेकंड क्लास स्टार्ट होगा आईसीएसई का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखो अब हम लोग का टाइम उभर हो चुका है, तो हम लोग अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को यहाँ तक में किसी तरीके कोई दिक्कत तो नहीं ना था?